एक और नई चीज़ हम आपको इंट्रोड्यूस कराना जा रहे हैं वर्ल्ड प्रेस में इट्स कॉल्ड अ मीडिया लाइब्रेरी आपने कभी आ, सुना है ये वर्ड मीडिया एंड लाइब्रेरी आपके शायद फोन्स में इस तरह की एक फीचर अवेलेबल हो लेकिन इससे पहले कि हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें वी वॉन्ट टू डू अ रिकैप ऑफ वट यू हैव लर्न सो फार यू हैव बिन वेरी गुड ट्रेनिंग एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर मेकिंग इट सो फार एंड बींग अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन दैट जो डी जी स्किल्स ने पाकिस्तान में क्रिएट की और हम उम्मीद करते हैं कि इस सारी चीजें सीखने के बाद आप एक दिन एक सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर बन सकेंगे एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकेंगे या एक कामयाब स्मार्ट वर्कर बन सकेंगे तो वो क्या चीज़ें जो अभी तक आपने सीखी हैं यू हैव लर्न हाउ टू इंस्टॉल वर्ल्ड प्रेस यू हैव लर्न हाउ टू एक्सेस द वर्ल्ड प्रेस डैशबोर्ड यू हैव लर्न हाउ टू एक्सेस द वर्ड प्रेस टूल बार और टूल बार एग्जैक्टली होता क्या है आपने प्लग को इंस्टॉल करना सीखा है और आगे भी हम आपको और नए नए प्लग इन से मुतारफ कराएँगे यू ऑल्सो लर्न अबाउट थीम्स कैसे आप अपनी वर्ड प्रेस की पूरी अपीरेंस को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्टेंट एंड दैट्स वन ऑफ़ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक वर्ड प्रेस आपने पोस्ट और पेजेस के फर्क को समझा आपने पोस्ट विजन्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया उसको देखा कि कैसे वर्ड के अंदर एक बिल्ट इन टाइम मशीन है जो आपको कॉन्टेंट uh, में को कंपेयर करने में और कॉन्टेंट में वापस टाइम में ले जाने में हेल्प करता है आपने टेक्स्ट एडिटर को यूज करना सीखा आपने कंटेंट को ऐड करना सीखा सो दीज वर सम थिंग्स दैट यू लर्न दीज वर थिंग्स दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ Uh, WordPress really works, but now coming back to this new feature that we are about to introduce to you. It's called the media library So what is the media library? Aapne term phones media library exist photos form that's what a media library is. A media library is a feature of a CMS content management system ki feature which allows you to store different files, which allows you to store images, which allows you to store videos all at one place and manage them and upload them. Uh, use manage kar that's what a media library is. Aapke the question aayega media library access kar media library exactly so media library can be accessed from the dashboard though तरीके हैं मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करने के एक कि आप डायरेक्टली लेफ्ट पे आपके पास एक जो साइड बार आ रहा है वहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी में जा सकते हैं एंड यू कैन एक्सेस ऑल द मीडिया लाइब्रेरी कॉन्टेंट फ्रॉम देयर द अदर ऑप्शन इज कि यू कैन गो विद इन अ पोस्ट एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऑप्शन योर मीडिया लाइब्रेरी सो ये आपके पास दो ऑप्शन हैं इसके दो व्यूज होते हैं एक होता है लिस्ट व्यू और एक होता है ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू क्या होता है लिस्ट व्यू शोज़ यू फाइल्स इन अ लिस्ट आपको एक लिस्ट की फॉर्म में आ, वो फाइल्स शो कराता है और आप उसको देख सकते हैं द अदर वन इज़ अ ग्रिड व्यू ग्रिड व्यू क्या करता है ग्रिड व्यू आपको डिफरेंट फॉर्म्स में वो थम में पिक्चर्स दिखाता है एंड इट्स अप टू यू कि कौन सी फॉर्म आप एक्चुअली यूज़ करना चाह रहे हैं और कैसे आप उन फाइल्स को यूज़ करके ट करना चाह रहे हैं या उनको एडिट करना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा हमारे पास दो व्यूज हैं एक है लिस्ट व्यू जिसमें आपको फाइल्स लिस्ट में नजर आएंगी एक है आपको ग्रिड व्यू ग्रिड क्या होती है ग्रिड इज लाइक बॉक्सेस बॉक्सेस के फॉर्म में आपको वो कंटेंट नजर आएगा उस कंटेंट को आप व्यू कर सकते हैं लेकिन जो दोनों व्यूज हैं वो आपको रिसेंटली अपलोडेड फाइल्स पहले दिखाते हैं एंड यू कैन ऑब्वियसली चेंज दैट इज वेल लेकिन ये आपने जेहन में रखना है कि जो सबसे टॉप पे फाइल नजर आ रही होगी या ग्रिड व्यू के केस में सबसे टॉप लेफ्ट पे जो फाइल नजर आ रही होगी दैट्स द मोस्ट रीसेंट फाइल दैट यू हैव अपलोडेड ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास अवेलेबल है और उन ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज करते हुए यू कैन ऑब्वियसली चेंज हाउ यू वॉन्ट टू व्यू योर कॉन्टेंट बट इन बाई डिफॉल्ट आपको जो सबसे रिसेंट कॉन्टेंट है वो सबसे टॉप पे नजर आ रहा होगा लिस्ट के केस में वट एबल टू डू इज यूल टू सी द नेम यू विल बी एबल टू सी अ फ्यू फंक्शंस लाइक एडिट लाइक डिलीट साथ में किसने वो फाइल अपलोड की है सो वर्ड प्रेस के मैंने आपको जिस तरह बताया था वर्ड प्रेस इज अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड प्रेस में और खास तौर पे वो वर्ड प्रेस वेबसाइट जिसमें काफ़ी ज्यादा लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं उसमें डिफरेंट यूजर्स आर अपलोडिंग फाइल्स ऑन डिफरेंट टाइम्स हो सकता है आप एक दिन अपने वर्ड को खोलें और आप कहें मैंने तो ये फाइल अपलोड ही नहीं की थी ये फाइल कहाँ से आई है और ये मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है देन यू फाइंड आउट कि आपका एक दोस्त था या आपका एक कॉलीग था जिसको आपने एक्सेस दी हुई थी दे हैव बिन एबल टू अपलोड दैट फाइल ये आपको सिर्फ लिस्ट व्यू में नज़र आएगा ये आपको ग्रिड व्यू में नहीं नजर आएगा लिस्ट व्यू अलाउज यू टू सी कि इस फाइल की एक्सटेंशन नेम क्या है इस फाइल का ऑथर क्या है और इस फाइल का नाम एग्जैक्टली exactly क्या है और जो एडिट के थोड़े बहुत लिंक्स हैं साथ ही साथ ग्रिड व्यू में यू विल बी एबल टू सी थंबनेल थंबनेल क्या होता है इट्स लाइक एन इमेज एक इमेज है जिससे आपको नजर आएगा कि आप आ, क्या क्या चीजें उसमें एड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं सो so ये इमेज का वहां पे होना या देखना बहुत जरूरी है कुछ फाइल केसेस में स्पेशल फाइल टाइप्स लाइक पीडीएफ, डी आपको ये थम uh, नेल या उसका एक इमेज नजर नहीं आएगा आपको एक सिर्फ आइकन नजर आएगा विल डिफाइन सो दीज आर सम थिंग्स टू थिंक अबाउट एडिट से आप क्या कर सकते हैं एडिट से यू कैन एडिट द फाइल डिलीट परमानेंटली से यू विल बी एबल टू डिलीट द फाइल और इवन व्यू द फाइल आपके जहन में एक क्वेश्चन शायद आए और वो क्वेश्चन ये है कि आर ऑल फाइल टाइप्स सपोर्टेड इन मीडिया लाइब्रेरी सो द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दिस इज अ नो हर तरह की फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते लेकिन हर तरह का पॉपुलर फाइल टाइप आप अपलोड कर सकते हैं इन आर नेक्स्ट लेसन विल टीच यू कि आप कौन कौन सी फाइल्स एक्चुअली वहां पे अपलोड कर सकते हैं एक और क्वेश्चन जो आपके जेहन में आएगा वो ये कि हाउ वी कैन अपलोड अ फाइल दैट इज नॉट सपोर्टेड वी विल टीच यू दैट इज वेल यूजिंग प्लग इंस प्लग आर वट मेक्स वर्ड प्रेस सो अमेजिंग सो कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स की काफी एक इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो होती है मीडिया लाइब्रेरी और ये सिर्फ बैक एंड से एक्सेस आप कर सकते हैं सो लेट्स गो टू द बैक एंड लेट्स लॉग इन एज एडमिन एंड लेट्स सी के हाउ मीडिया लाइब्रेरी कैन रियली हेल्प अस सो लेफ्ट पे जैसे आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करेंगे लेफ्ट पे आपको एक मीडिया नामी एक बटन एक आइकन नजर आएगा सो so, आप देख सकते हैं कि मीडिया के ऊपर एक आइकन बना हुआ है विच इज़ ऑफ अ म्यूजिक एंड फोटो आप वैसे तो मीडिया लाइब्रेरी हर पोस्ट या पेज से भी एक्सेस कर सकते हैं लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली अपनी मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं दिस इज़ दैट सेंट्रल डिपॉजिटरी दैट इज़ कॉल्ड द मीडिया लाइब्रेरी सो लेट्स क्लिक ऑन द मीडिया लाइब्रेरी एंड ट्राई टू ओपन इट एंड ट्राई टू सी कि यहाँ पे किस किस तरह का कॉन्टेंट हमें नजर आ रहा है या कॉन्टेंट हमारे पास अवेलेबल है सो so, जिस तरह मैंने बात की यहाँ पे दो तरह के व्यूज हैं यहाँ पे एक है ग्रिड व्यू और एक है लिस्ट व्यू सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर द ग्रिड व्यू फर्स्ट ग्रिड व्यू क्या करता है कि आपको थम में आपकी फाइल्स दिखाता है और आपको बताता है कि ये फाइल कौन सी है ये फाइल क्या कर रही है कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ग्रिड फाइल्स में क्या फर्क है एज कंपेयर टू लिस्ट फाइल सो ग्रिड फाइल में आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी एक उस पर क्लिक करूं तो आपके पास कुछ डिटेल्स आ जाती हैं बट वी विल एक्सप्लेन दैट टू यू लेटर राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट गिव अ सेंस ऑफ द नेल्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फाइल्स हैं जो कि बिल्कुल सेम तरह की दिखती हैं दैट्स वट डज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि दो फाइल्स अगर सेम तरह की भी हैं तो हाउ आर दे डिफरेंट सो एक आपको नजर आ रहा है एम फाइल है और एक फाइल जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा दैट्स इन इमेज फाइल सो वर्ल्ड के लिए सबसे पॉपुलर मीडिया टाइप इज इमेजेस जब भी कोई इमेज डलता है तो वो आपको सिर्फ थमनेल दिखाता है और उसकी फाइल टाइप का नहीं बताता बाकी साथ साथ आप देख सकते हैं अगर कोई एम पी फोर फाइल है विच इज अ वीडियो फाइल तो उसके डिफरेंट आइकन है अगर कोई पी है, तो है अगर कोई एस है अकॉर्डिंगली यू विल सी डिफरेंट आइकन फॉर दो नाउ विल गो टू अनदर व्यू विच इज कॉल्ड अ लिस्ट व्यू लिस्ट लिस्ट व्यू व्यू क्या करता है यू एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल आपको वो उसका एग्जैक्ट नेम दिखाएगा उसकी एग्जैक्ट एक्सटेंशन दिखाएगा इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल इट्स पाकिस्तान डॉट ये एक फाइल है जिसका नाम भी पाकिस्तान है साथ साथ वो आपको दिखाएगा इसका ऑथर कौन है कौन वो बंदा है जिसने ये फाइल अपलोड की यहाँ पे एडमिन वो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आई एम एडमिन मैंने अपलोड की थी ये फाइल अगर किसी और यूजर ने की होती तो वो मुझे दिखाता उस यूजर का नाम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर वर्डप्रेस प्रेस हमें दिखाता है कि यह फाइल किस पर्टिकुलर पोस्ट से अटैच है विच इज दैट पर्टिकुलर पोस्ट जिससे यह फाइल अटैच है और आपको डिटैच की भी ऑप्शन दे रहा है डेट भी दिखा रहा है कितनी देर पहले वो फाइल अपलोड हुई थी सो लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड लेट्स ट्राई टू क्लिक ऑन डिटैच फ्रॉम दिस सियालकोट वाली पोस्ट सो so, अब ये डिटैच हो गई है अब हम जाके देखते हैं कि होम पेज पे जो सियालकोट वाली पोस्ट हमने की थी उस पर क्या हुआ है सो द इमेज इज स्टिल देर बिकॉज इट्स बिन अपलोडेड बट इट हैज बिन डी सो दिस इज अगेन अ फीचर विच वर्ड प्रेस गिव्स यू हाउ टू टैच एंड डी फाइल्स आई कैन जस्ट क्लिक ऑन अटैच अगेन दोबारा अटैच हो जाएगी सो so ये मैंने आपको दिखाना था मीडिया लाइब्रेरी क्या है किस तरह से फंक्शन करती है आप ग्रिड व्यू में जा सकते हैं आप लिस्ट व्यू में जा सकते हैं आप इसमें कॉन्टेंट डाल सकते हैं हम कॉन्टेंट डाल के भी थोड़ा सा देखेंगे सो दिस इज वट द मीडिया लाइब्रेरी इज इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म विद इन वर्ल्ड प्रेस जिससे आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं अपने पास सर्च कर सकते हैं um, और कुछ हमारे पास प्लग uh, इन्स uh, भी हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे लाइक like, अगर आप मीडिया लाइब्रेरी को इन्हेंस करना चाह रहे हैं वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट इन आर For the lessons, uh, please interact with us, interact with other trainees, interact with instructors, interact with this beautiful community that DG Skills provide you so we can help you become successful, we can help you become progressive, and we can learn and grow together.